टुडे आवर न्यू लेसन इज वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 9 एंड 10 बाय मी मेहर खान। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इंट्रोडक्शन वर्क पावर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डॉट के डॉट ई सॉरी सो नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम इनके बारे में आज स्टडी करेंगे और देखेंगे ये क्या है और वर्क पावर एनर्जी से इस चैप्टर में क्या मुराद ली जा रही है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले वर्क एनर्जी एंड पावर आर द मोस्ट यूज्ड टर्म्स इन फिजिक्स। दे आर प्रॉबली द फर्स्ट थिंग यू लर्न इन योर फिजिक्स क्लास। वर्क एंड एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। In this article, we will learn all about the concept of work power and energy. Basically, यहाँ पर introduction में ये कहना चाह रहे हैं कि कुर्सी पर, जैसे for example, मैं आपको मिसाल दूँ कि कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अगर कुछ लिख रहा है तो basically तो काम कर रहा है, कोई भी आपकी नजर में काम हो रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स यानी उर्दू में हम उसको तबियात कहते हैं, तबियात में यानी फिजिक्स के अंदर वो काम नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजदूर कुछ बोरियां उठाकर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो वहां पर रख देता है, ठीक है, अब आप देखेंगे मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये वर्क नहीं है, तो फिर वर्क बेसिकली है क्या? ठीक है, तवानाई और ताकत की भी फिजिक्स